भाई लोग नमस्कार सभी को। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अभी गांव में हूँ। अपने गांव में एक छोटा मोटा काम है मेरा कंडा, जो कि पलामू के अंतर्गत पड़ता है। तो मैं अभी गांव में हूँ और हमारे गांव का सुनहरा दृश्य देख सकते हो। दोस्तों मैं अपने गांव का दुर्गा पूजा मंडप दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, इसलिए ये वीडियो बनाया है। बट उससे पहले मेरे गाँव में धान दिखा देता हूँ कि धान का खेती कैसे हुआ है। कहीं कहीं बारिश की वजह से, बारिश नहीं हुआ है इस वर्ष, इसीलिए कहीं कहीं धान नहीं हुआ है। बट हमारे यहाँ धान हुआ है। किसान लोगों ने ज़ोर शोर से मेहनत किया और ऊपर वाले के भरोसा ना करके नीचे से पानी निकाल करके, देखिए धान कितना सारा यहाँ लहलहा रही है और कुछ कुछ धान पक भी गया है। मैं आपको नज़दीकी से दिखाने का प्रयास करूँगा। देख सकते हैं सारा धान हो के तैयार है। दोस्तों आप देख सकते हो अभी कहीं कहीं धान हुआ नहीं है, बट हमारे यहाँ धान देख सकते हैं पक के कैसे रेडी है, कितना दूर में है। दोस्तों वहाँ से वहाँ तक उस वाला धान अभी हुआ नहीं है और ये वाला धान देखिए पक के कितना लहलहा रहा है। दोस्तों देख सकते हो इसमें ऊपर का बारिश से नहीं है बल्कि नीचे का पानी से ये धान हुआ है। और धान देखिए पानी यहाँ से ये आ रही है, जो कि मोटर से पानी आ रही है, देख सकते हो दोस्तों। और मोटर के पानी से हमारा धान हुआ है, हमारे किसान लोगों ने किया है। ये दोस्तों ये धान रेडी है, अभी कुछ और होगा, पक जाएगा तो ये काटने के लायक हो जाएगा। दोस्तों तो देख सकते हो कितने दूर में यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा धान की खेती हुआ है। देख सकते हो हमारे छोटा सा गांव है कंडा, वहीं में हम आए हुए हैं। हमारे गाँव का पंडाल दिखाता हूँ मैं आपको। और अभी दशहरा का 10वां दिन चल रहा है, अभी आज ही मूर्ति विसर्जन होगा। तो देख सकते हैं हमारे गांव का पंडाल कितना सुंदर बना हुआ है, देख सकते हो। और आसपास के गार्डन वगैरह भी मैं दिखाता हूँ। यह धार्मिक स्थल है, यहाँ पे महावीर और देवी जी का मंदिर है। मैं देवी माता से मिलाने आपको चलता हूँ। तो ये है मेन द्वार, यहीं से प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मुख्य द्वार यहाँ पे लिखा हुआ है। फाइनली मैं दुर्गा माता से मिलाने जाता हूँ, इससे पहले तो चप्पल उतार देता हूँ। ये है हमारे यहाँ का माता जी, माता रानी। देख सकते हैं दोस्तों यार, देखिए हमारे गांव का पंडाल तो मेरे हिसाब से अच्छा ही बनाया हुआ है यहाँ के कमेटी और यहाँ के लोगों ने। तो हमारे गांव का पंडाल देखकर आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट में बताइएगा। ये आप लोगों को बनता है क्योंकि मैं आपको बताया कि अपने गांव का पंडाल दिखाऊँगा, तो मैं अभी दिखाया अपने गाँव का पंडाल। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बनाते रहता हूँ, इसीलिए मेरे चैनल को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो गाइस यार मिलते हैं आपसे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग एंड दिस वीडियो एंड लव यू ऑल मी।